हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम फिर से बात करेंगे क्लास नाइन्थ की। क्लास नाइन्थ में हम लोग जो है पहला लेसन पढ़ चुके हैं और दूसरा लेसन भी पढ़ चुके हैं। दोनों पाठ आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है बच्चों दूसरे लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। दूसरे लेसन के एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो है टिक द ऑप्शन को पहले पढ़ा, उसके बाद ट्रू फॉल्स को पढ़ा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ा, उसके बाद जो विलोम पर्यायवाची लिखने थे यानी एंटोनिम्स एनोनिम्स उसको आप लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद इस पैसेज में केवल दो चीज़ें बच रही हैं, एक कंप्रीहेंशन पैसेज बच रहा है और एक बच रहा है इसमें जो है आप लोगों का प्रश्नोत्तर। आज का ये जो वीडियो है, ठीक है, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आप लोगों को जो है कंप्रीहेंशन पैसेज बताएंगे और कंप्रीहेंशन पैसेज बताने के बाद में हम जो है आप लोगों को एक कंप्रीहेंशन पैसेज बता देंगे। इसके बाद इसी आधार पर आप लोगों को जितने दो तीन चार अदर कंप्रीहेंशन पैसेज दिए गए हैं उसको आप लोगों को करना है। कंप्रीहेंशन पैसेज करते समय अगर आप लोगों को कोई भी असुविधा हो रही है तो आप जितने बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हैं विद्यालय के, वो बच्चे विद्यालय के जो है व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं और जो लोग हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो विद्यालय के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेज सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जो है यहाँ से जितना हो सकेगा आप लोगों की पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम लोग उसका जो है सॉल्विंग सोल्यूशन निकालेंगे और आप लोगों तक अवश्य भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन टू का। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लेसन टू क्लास नाइन्थ लिखा हुआ है। हम इसकी जो है आज कंप्रीहेंशन पैसेज बताने चल रहे हैं। पहला कंप्रीहेंशन पैसेज आप लोग देख लीजिए और आप लोग जो है अपने रफ निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, उसमें आप लोग जो है पहला कंप्रीहेंशन पैसेज कर लीजिए और इसी तरीके से लेसन अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाया है। आप लोग जितना पैसेज दिया जाए उसको पढ़कर उसके बाद अपने मन से उसमें के क्वेश्चन आंसर लिखकर और अपनी जो है रफ कॉपी में लिखकर पहले बच्चों हमको फोटो खींचकर विद्यालय व्हाट्सएप पर भेजिएगा। जब हम यहाँ से बता देंगे कि हाँ ये आपका सही है फिर आप लोग उसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। तो आप लोग रफ निकाल लीजिए, चलते हैं शुरू करते हैं आप लोगों के इस कंप्रीहेंशन पैसेज से। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए हमने लिख दिया है क्लास नाइन्थ और यहाँ पर लिख दिया है एक्सरसाइज पार्ट थ्री वीडियो ये है और इधर हमने लिख दिया है लेसन का नाम लेसन टू काबुली वाला है और इधर हमने लेसन का नाम भी लिख दिया है काबुली वाला, यानी लेसन टू है आपका जो दूसरा लेसन था काबुली वाला, यहाँ हमने नाम भी लिख दिया है। इसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज का जो टाइटल था आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो आप लोगों को लेसन का नाम डालना है और काबुली वाला है पार्ट का नाम लिखना है, लेसन डालना है कौन सा है। इसके बाद आप लोगों को अलग अलग रंगों के पेन का उपयोग करके यानी ब्लैक एंड ब्लू का यूज करके आप लोग पहले ये लिखना है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इन पैसेज को पढ़िए और इनके जो है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग आपकी बुक में हम देखेंगे कौन सा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, लिखा है राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस अध्याय का नाम लिखिए फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह जो है पैराग्राफ ये पैसेज लिया गया है। तो चलिए हम लिखते हैं इसका आंसर। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, तो हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर वन, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द लेसन विच अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे यह पैसेज लिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, द अबव पैसेज PASSAGE द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, उसके बाद यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये पैसेज लिया गया है किस लेसन से। इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग लिखेंगे लेसन का नाम KABULIWALLAH काबुली वाला, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था और ये आपका पहला आंसर बन गया। इसके बाद देखिए दूसरा पैसेज क्या कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपका व्हाट वाज ट्रबलसम इश्यूज ऑफ मिनीज मदर,
यानी कि मिनी के माँ के लिए क्या समस्या थी। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले जो है इसका, तो यहाँ हम लिखेंगे QUESTION क्वेश्चन, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन टू। अब क्वेश्चन आपका टू है, व्हाट वाज ट्रबल सम ISSUE इश्यू ऑफ मिनीज मदर। क्वेश्चन मार्क यहां भी लगाएंगे। अब मिनी की माँ के लिए कष्टप्रद विषय क्या था, अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, यहां डालेंगे आंसर नंबर टू। देखिए आंसर टू नंबर में हम लिखेंगे द ट्रबलसम इश्यूज ऑफ मिनीज मदर, द टी आर ओ यू बी एल ई, द ट्रबलसम इश्यू ऑफ मिनीज मदर वाज, मिनी के मदर का जो ट्रबलसम इश्यू था वो क्या था, दैट दैट सी वाज वेरी टी ए एल के ए टी आई वी टाकेटिव, ठीक है, एंड नेवर एंड नेवर कीप एंड नेवर कीप साइलेंस इन अ मिनट, ठीक है। ये आपका प्रश्न था, व्हाट वाज ट्रबलसम इश्यू ऑफ मिनीज मदर, मिनी की माँ की क्या समस्या था, इसका आंसर होगा द ट्रबलसम इश्यूज मिनीज मदर, मिनी की माँ की समस्या थी दैट सी वाज वेरी टारगेटिव, बहुत ही बातचीत करने वाली थी, नेवर कीप साइलेंस इन ए मिनट, और एक मिनट भी वो शांति से नहीं बैठती थी। ये थे आपके दो प्रश्न और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, पहले हम लोग प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सा है, व्हाट हैपन डब्ल्यू एच ए टी व्हाट एच ए डबल टी एन ए डी व्हाट हैपन, ठीक है, व्हेन ही वाज what happened when he was hard at his work of the 17th चैप्टर ऑफ हिज नॉवेल, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन ही वाज हार्ड एट हिज वर्क एट द 17th चैप्टर ऑफ नॉवेल, जब लेखक जो है अपने 17वें अध्याय को पढ़ने में तल्लीन था, यानी 17वां अध्याय पढ़ रहा था, तो उसी समय क्या होता है, काबुलीवाला आ जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर नंबर थ्री डालेंगे, इस आंसर में क्या होता है, काबुली वाला आ जाता है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन मिनीज फादर वाज बिजी डूइंग द 17th चैप्टर ऑफ हिज नावेल, 17th चैप्टर था आप नावेल, अपनी नावेल को 17th चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्या होता है, इसके बाद देखिए मिनी आर ए एम मिनी रन, ठीक है, मिनी क्या करती है, रन करती है, दौड़ कर आती है इनटू हिज रूम, मिनी उनके रूम में दौड़ कर आती है एंड
started asking 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 some irrational irrational questions questions. इस प्रश्न में पूछा जा रहा है मिनी पिताजी क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा जब वो पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, व्हेन मिनीज फादर वाज बिजी डूइंग द 17th चैप्टर ऑफ हिज नॉवेल, जब वो पढ़ रहे थे मिनी रैन इनटू रूम हिज रूम, मिनी उनके कमरे में दौड़कर आती है एंड स्टार्ट आस्किंग सम इरेशनल क्वेश्चंस और उनसे कुछ प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न पूछती है जो परेशान करने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीन क्वेश्चन बताए गए, अब आप लोग जो है क्वेश्चनों को बोर्ड पर देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और इसके जो आगे के एक दो प्रश्न बचे हैं उनके साथ, आप लोग इसको तब तक लिखिए, हम अभी आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु सेड एंड व्हाट happens when an elephant who said and what happened when an elephant blowing water out of his tongue, trunk, किसने कहा और क्या होता है जब एक हाथी अपने सूंड से पानी फेंकता है। तो हमने बताया था कहानी में लोग पढ़ा था कि मिनी को यह बात कौन बताता है, मिनी को यह बात भोला बताता है। तो हम इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 4 में, आंसर नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 4 में लिखेंगे भोला सेड, BHOLA भोला सेड, यानी कि किसने कहा था, भोला ने कहा था, भोला सेड। और भोला क्या कहता है, भोला ने क्या कहा था, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आप ही जो ट्रंक, भोला ने कहा था कि एक हाथी रहता है जो है बादलों में, वही अपने सूंड से पानी फेंकता है और उसके बाद जब वो पानी फेंकता है तो क्या होता है, दैट इज व्हाई इट रेन्स। तो इसका आंसर आगे होगा दैट इज व्हाई इट RAINS रेन्स, और इसीलिए बारिश होती है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड वर्ड्स FIND फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द extract which meanings means, आपको दो वर्ड दिए जा रहे हैं इनके आपको आंसर बताने हैं। पहला है TAL talkative और दूसरा है CHEER cheerfully, ठीक है, ये दो वर्ड आप लोगों को दिखाए बताए जा रहे हैं, इसकी आप लोगों को बताना है कि इसका जो है क्या होगा हिंदी अर्थ, और इसी के समान आपको जो है इनके अंग्रेजी वाले शब्दों को लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 में क्या है आप लोग देख लीजिए, आंसर नंबर 5 में
उदाहरणों के शब्दों के केवल अर्थ बताने हैं, तो आपको जो है लिखना है टाकेटिव। तो यहाँ लिखेंगे पहला है TALKATIV टाकेटिव, इसके सामने डैश लगाएंगे, और दूसरा लिखेंगे, दूसरा है क्या टाकेटिव, और दूसरा है चेयरफुल CHEER चेयरफुल। ये दो शब्द दिए गए हैं। टाकेटिव का हम लिखेंगे CHATTY चैटी हो जाएगा, और चेयरफुल का हो जाएगा LIVELY लिवली हो जाएगा। इस प्रकार से आपके दोनों शब्द कंप्लीट हुए, और इस प्रकार से आपका ये जो लेसन था ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और इस लेसन का कंप्रीहेंशन का पहला पैसेज कंप्लीट हुआ। अब आप लोग आगे के कम्प्रिहेंशन पैसेज इसी प्रकार देखकर समझ कर करिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है हम पहले बात बता चुके हैं, आप लोग उसको हमको बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों से नमस्कार।